नमस्कार दोस्तों, मैं आरके ट्रेडिंग से रवि कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज तारीख है 7 फरवरी 2019, समय 9:11:30 हो रहे हैं। प्री ओपन का सेशन खत्म हो चुका है। निफ्टी बिल्कुल कल जहां पे क्लोज हुआ था, बिल्कुल उस मैंने जो इसने कल हाई बनाया था 11,062 का, बिल्कुल निफ्टी उसके ऊपर ओपन हो रहा है 11,070 पर, जस्ट हाई के पास ही ओपन हो रहा है। यानी निफ्टी 11,070 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग देनी चाहिए, इसके ऊपर ट्रेड कंटिन्यू करते रहना चाहिए। कम से कम 15-20 मिनट अगर ट्रेड करें इसके ऊपर, तो ही हमारे लिए पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी हमें फिर 11,200 के लेवल दिखाएगा। हो सकता है यहाँ से एक आपको प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी हो सकती है कि यहाँ से निफ्टी डायरेक्ट नीचे आ जाए और स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाए, तो फिर हमारे सारे स्टॉक्स भी लगभग नीचे की तरफ आएंगे। तो मैंने अपने लिस्ट में लगा लिया सन टीवी, जो मैंने यूट्यूब चैनल पर दिया था, टाइटन, CESE, ये तीन स्टॉक मैंने दिया है अपने यूट्यूब चैनल के 3-स्टार सेक्शन में। डिवीज लैब एक दिया है मैंने टेलीग्राम पर, और एक रिलायंस इंफ्रा को दिया है। तो ये सारे स्टॉक मैंने लगा लिया है अपने चैनल लिस्ट में, वॉच लिस्ट में। आज देखते हैं इसमें कहाँ पे हमारा मूवमेंट बनता है। तब तक के लिए मैं भी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। समय 9:12:38 हो रहे हैं, और थोड़ा सा रिलायंस इंफ्रा में मुझे एक काफ़ी ज़्यादा कल इसमें गिरावट देखने को मिला था, तो कल इसमें आज हो सकता है एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हो, तो मैं इसमें बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी देखना चाहूँगा। शायद यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए, क्योंकि कल काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम से अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम नीचे आया था, और लो बनाया था इसने 145 का। 1 मिनट देख लेते, लो बनाया था इसने 141.40 का, और क्लोजिंग किया था 154.30 पर। तो मुझे लगता है स्टॉक में आज एक बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए समथिंग, लेकिन अगर इसके लो के नीचे ट्रेड करने लगता है तो फिर ये हमारे लिए निगेटिव साइड में चला जाएगा। तो मेरी नज़र रहेगी इस पर, रिलायंस इंफ्रा पे। और अभी एक व्हाट्सअप मुझे आया है, जस्ट ये नाम नहीं, मोहसिन पठान साहब का, पुणे से। उन्होंने लिख के दिया है स्टॉक बैन इन FNO, DHFL, IDBI, जेट एयरवेज, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस इंफ्रा। तो रिलायंस इंफ्रा मेरी लिस्ट में है, और इन्होंने बैन बताया। तो हो सकता है ये FNO में बैन हो, मैं तो कैश में करता हूँ, तो देखता हूँ ये कैश में अवेलेबल है या नहीं है, तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूँगा कैश में। मैं फ्यूचर में तो वैसे भी ट्रेड नहीं करता, फ्यूचर एंड ऑप्शन में, कैश में करता हूँ, तो कैश में शायद मे भी अवेलेबल हो, क्योंकि मार्केट जब ओपन होगा मार्केट तो पता चल जाएगा। अभी मैं रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, समय हो रहा है 9:14:02, ठीक है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं रवि कुमार। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:16:30। मैंने एक 200 क्वांटिटी को TCS को शॉर्ट किया है। अभी पोजीशन दिखा देता हूँ, एक मिनट। 70 का 50 का लॉस चल रहा है, 750 इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया, 468 का लॉस हो रहा है मुझे, 468 का लॉस हो चुका है, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट करा दिया। बहुत जल्द मैंने एंट्री ले लिया, कोई बात नहीं, अभी मैं देखता हूँ मैं वेट करूंगा वापस से इसमें। 468 का लॉस कराया है इसने, अभी देखते हैं रिकवर हो पाता है या नहीं। अभी थोड़ा सा रिकॉर्डिंग मैं पॉज कर देता हूँ, उसके बाद काफी अच्छा हाई बना रहा है ये। सन टीवी का देखें, सन टीवी को 540 के नीचे सेल दिया है, तो 540 के नीचे तो ये अच्छा खासा चल रहा है। रिलायंस इंफ्रा का इस पे भी मेरी नजर है, रिलायंस इंफ्रा पे। अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, ऑर्डर ले लिया, समय 9:22 हो रहे हैं। देखिए, CSE को शॉर्ट किया है मैंने, 300 क्वांटिटी को शॉर्ट किया है, और अभी चल रहा है प्रॉफिट, 273 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। जो लॉस हुआ था 468 का TCS में, आपके सामने लॉस हुआ था, अभी मैंने जस्ट CSE को शॉर्ट किया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है। चलिए देखते हैं, CSE को शॉर्ट किया, 603 का प्रॉफिट हो रहा है, 300 क्वांटिटी शॉर्ट किया है एक्चुअली, अब ब्रैकेट ऑर्डर में किया है, तो जो लॉस हुआ तो कवर हो गया है, 468 का प्रॉफिट चल रहा है, 768 हो चुका है, एक
728 पे मैंने रखा है, पहला टारगेट 728 का रखा है। 725 तक इसे आराम से यहाँ से जाना चाहिए जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने पहला टारगेट 728 पर रखा है, मेरा कवर हो जाएगा, कोई बात नहीं। जो लॉस हुआ है 468 वो भी चल कवर हो रहा है। अब प्रॉफिट में आ गया, 588 का प्रॉफिट, 603 का प्रॉफिट, सारा कवर हो गया मेरा। 804, 408, चलिए देखते हैं यहाँ तक इसको ब्रेक करे। पहली कैंडल का अगर लो ब्रेक करेगा ना तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा। मैंने टारगेट 728 का लगा के रखा हुआ है, 300 क्वांटिटी का, मुझे नीचे कर देना चाहिए कुछ टारगेट, और नीचे कर देना चाहिए मेरे ख्याल से। थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, 727, 725 तक इसे आराम से आना चाहिए। अगर ये 700 पहले कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देगा ना तो ये बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। समय हो रहा है 9:23, चलिए देखते हैं क्या होता है। तीसरे इसने मुझे लॉस दिया 468 का, जो कि अभी आप लोग के सामने हुआ था। रिलायंस इंफ्रा को इग्नोर कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये बहुत शार्प मूवमेंट हो चुका है, बहुत शार्प फॉल दिखा दिया, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। टाइटन, डिवीज लैब सारे सही हैं, अपने अपने जगह पे हैं। मेरा भी ऑर्डर लगा हुआ है CSC पे, कोई दिक्कत नहीं है, CSC पे पूरा फोकस है मेरा। देखते हैं क्या होता है CSC में। 738 का प्रॉफिट, 843, 843, तो दो जगह पे ऑर्डर रखा है। देखिए 345 का ओवरऑल प्रॉफिट में आ गया मैं, और 813 का प्रॉफिट चल रहा है। चलिए देखते हैं 813 का, ये पहला टारगेट है 728, दूसरा 725 पे रखा है। इस देखिए और नीचे चला जाएगा, मैंने दिया हुआ भी है CSC को, है ना, 720 के नीचे सेल। लेकिन मैंने मुझे पहले समय देख लिया, 9:24 हो रहा है, मुझे पहले अपना लॉस जो हुआ था TCS में उसको कवर करना था, तो ये कवर हो चुका है, नो टेंशन। अब प्रॉफिट में भी आ गया, अभी आपके सामने देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ से ये बाउंस बैक भी कर सकता है, और ये अगर फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगा। स्टॉप लॉस बिल्कुल ही 2 रुपये का है मेरा, 733 पे सेल किया है 733 पर, और 735 का स्टॉप लॉस है मेरा, यानी तो 2 रुपये का स्टॉप लॉस है। देखते हैं क्या होता है, बिल्कुल 843 का प्रॉफिट, तो लॉस कवर हो गया, टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से लॉस कवर हो गया। चलिए देखते हैं, एक दे दे टारगेट, 728 का टारगेट है पहला, मार दो, 728 का है टारगेट, मार दिया। चलिए पहला टारगेट डन हो गया, हो गया 2017 का 2256 का है, दूसरा टारगेट भी डन हो गया, ऑल टारगेट डन हो गए, 2256 के जो टारगेट थे मेरे डन हो गए, तो 1788 का टोटल प्रॉफिट लेके मैं बाहर निकला आते। देख लीजिए दोस्तों, ये और नीचे जाएगा अभी, पर मेरा काम हो गया, मेरा जितना रहता है इस टर्मिनल पे मेरा काम एक्चुअली हो चुका है। तो 200 क्वांटिटी TCS पे शॉर्ट किया, 468 का लॉस लिया, और CSC का 300 क्वांटिटी शॉर्ट किया, इसमें मैंने 2256 का प्रॉफिट लिया। चलिए ये और नीचे चला जाएगा, वो स्टॉप लॉस ऊपर रखा हुआ ब्रैकेट, और उसको काटूंगा मैं, कैंसिल कर दूंगा। चलिए दोस्तों मेरा कवर, अब उनको नया ऑर्डर लूंगा ना, देखिए दो ऑर्डर हैं, आप लोग देख लीजिए, यही दो ऑर्डर थे मेरे, ये पेंडिंग जो ऑर्डर दिख रहा है ना, ये यही है, स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अभी रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश कर दिया, खत्म कहानी। तो ओवरऑल पोजिशन देख लीजिए, 2256 का प्रॉफिट लेकर निकला CSC में, TCS में 468 का लॉस, ओवरऑल 1788 का प्रॉफिट। तो दोस्तों ये था मेरा आज का ट्रेड, अगर कोई दूसरा ट्रेड लेता हूँ तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। समय देख लीजिए 9:26:18 हो रहे हैं, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RK ट्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 9:52:27, ग्रासिम जैसा कि मैंने आप लोगों को भी दिया है, मैंने खुद भी लिया है। मैं ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर दो तरीके से लेता हूँ, तो कवर ऑर्डर में 355 का प्रॉफिट चल रहा है, ब्रैकेट ऑर्डर में 296 का, 442 हो गया मैंने ओवरऑल। तो एक ऑर्डर में यहाँ से एग्जिट कर दूंगा, फर्स्ट टारगेट 440 है, और ये अचीव हो गया है लगभग 739.75, 739.75, तो मैं यहाँ से कवर ऑर्डर को निकाल दूंगा अभी। चलिए 740 फर्स्ट टारगेट डन, तो मैंने यहाँ से कवर ऑर्डर निकाल दिया है, आप लोगों को भी प्रॉफिट बुकिंग करा देता हूँ, बुक प्रॉफिट इन ग्रासी, फर्स्ट टारगेट डन है ना, फर्स्ट टारगेट डन हो गया आप लोगों का। तो 740 पहला टारगेट डन गया, ब्रैकेट ऑर्डर वाला मैं अटका हुआ अभी तक लेके, तो ये मेरा तीसरा ट्रेड हो गया। इसको मैं थोड़ा सा इसमें भी लगता है मुझे ना, पूरा मैंने 200 क्वांटिटी लिया, लेकिन पूरा क्वांटिटी मुझे मिला लगता नहीं, अभी मैं चेक कर लूंगा। इसका टारगेट बढ़ा देता हूँ, आज मैंने उल्टा किया है, मैं ऐसे ब्रैकेट को पहले निकालता हूँ और कवर को रखता हूँ, आज मैंने कवर निकाल के ब्रैकेट रख दिया, जिसकी वजह से मुझे अपना टारगेट बढ़ाना पड़ रहा है ऊपर की तरफ।
चलिए 744 है हमारा दूसरा टारगेट, को कुछ टारगेट को मैं 744 के पास रख दूंगा, 743 42 43 44 44 744 के पास मैंने रख दिया सेकंड टारगेट, और कुछ टारगेट उसके ऊपर कर दिया। स्टॉप लॉस भी मॉडिफाई कर देता हूँ, सटा देता हूँ अपने बाइंग प्राइस के पास, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट ऑर्डर में यही मुश्किल है, अलग अलग क्वांटिटी मिल जाती है ना। समय हो रहा है 9:54:18। चलिए अभी देखते हैं, यही मेरा अंतिम ट्रेड है। देखा टीसीएस में मुझे लॉस हुआ था 450 का, उसके बाद सीएससी में मैं 2200 का प्रॉफिट लेके निकल गया। अगर मैं रुकता तो सीएससी मुझे और भयानक प्रॉफिट देने वाला था वहां से, लेकिन मैं बहुत जल्द निकल गया। खैर उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इसका मलाल नहीं होना चाहिए कि मैं रुकता तो ये हो जाता, मैं रुकता तो वो हो जाता। जो हो गया सो हो गया, है ना। कोई यहाँ कोई साधु संत नहीं, मैंने कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं कि वो बता दे कहाँ तक जाएगा कहाँ तक नहीं जाएगा। देखिए सीएससी से मैं 725 जो टारगेट लगा था ना, 725 वो तो मेरा अचीव हो गया था एक्चुअली, 725 यहाँ पे, और उसके बाद ये 717 का लो लगाता है, मैंने और भी नीचे चलाया था। बंधन बैंक में मैंने दिया था पोजिशनल टारगेट 462 का, ये ऑल टारगेट डन हो गया। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, ऑल टारगेट डन बंधन बैंक, है ना, ऑल स्टॉक फटाफट वाले में ऑल टारगेट डन डन इन बंधन बैंक 462 फाइनल फाइनल इंजॉय प्रॉफिट। तो कल डाला मैंने दोस्तों ये वीडियो, कल डाला है मैंने ये वीडियो, अगर आप लोग देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर तो मैं दिखा देता हूँ इसका सजेस्ट। मैंने बंधन बैंक का कल ही किया था, आपको मैं अपना यूट्यूब चैनल खोल के दिखा देता हूँ स्टॉक फटाफट वाले सेक्शन में, तो आपको पता है कि मैं देखिए यहाँ यहाँ देखिए मेरे चैनल पर आरके ट्रेडिंग पे जब आइएगा तो यहाँ स्टॉक फटाफट वाले में कल डाला है मैंने बंधन बैंक, इसको जब क्लिक करेंगे तो इसमें मैंने कल डाला है। कल जिस बार मैंने डाला था 432 के ऊपर बाइंग बताया था, 430 रुपये चल रहा था प्राइस, 432 के ऊपर पोजीशन बनाने बोला था, पहला टारगेट 442 दूसरा 462 का था, तो कल ही इसने 442 का टारगेट अचीव कर दिया था और आज 462 का टारगेट भी अचीव कर दिया, यानी ऑल टारगेट डन हो गया। अब मेरा इसमें कोई व्यू नहीं, एक्चुअली एक सप्ताह का व्यू रहता है, उसने 2 ही दिन में मेरा काम कर दिया। ग्रासिम में देख लूँ, ग्रासिम ठीक ठाक चल रहा है, नो प्रॉब्लम। तो इस तरह से दोस्तों ट्रेड करिए मजे के साथ, आराम के साथ, गाना गाते हुए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए 516 का अभी चल रहा है प्रॉफिट, अभी इसमें कवर ऑर्डर से तो मैं निकल गया हूँ। चलिए मैं देखता हूँ क्या होता है, 544 है दूसरा टारगेट, मैं 544 के पास रुका हूँ, कुछ को सॉरी 5 744 44 है दूसरा टारगेट, 746 और टारगेट और ऊपर कर लिया मैंने, 700 कहाँ पे 46 पे ले आया, तो 744 है मेरा टारगेट, ये लो हाई बनाया कितना 740 65 का 70 का। चलिए रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, समय हो रहा है 9:57, ये पॉज क्या करता हूँ, यही ट्रेड है, ठीक है, यही ट्रेड है मेरा अंतिम, और इसके बाद मैं कोई ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। चलिए मैं मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।